हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए एक बढ़िया डिश लेके आया हूँ स्टार्टर में। आज मैं आपको बनारस सिखाऊंगा कचौड़ी। जी, हमारे हिंदुस्तान में समोसे कचौड़ी बहुत बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं और हर गली हर नुक्कड़ पे आपको समोसा और कचौड़ी मिल जाएगा। चलिए तो मैं आज आपको सिखाता हूँ दुबई से ही सीधा कचौड़ी कैसे बनती है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कचौड़ी बनाना। तो आइए बगैर किसी देरी के मैं शुरू करता हूँ। चलिए दोस्तों, मैंने मैदा ले लिया है। अब हमें कुछ नहीं करना, इसमें डालेंगे सॉल्ट, अजवाइन बिल्कुल थोड़ी सी डालना है। उसको इस तरीके से मल के डालना है आपको, इस तरीके से। अगर आप मल के डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा उसका। हल्का सा मैं इसमें डाल दूंगा हींग, बिल्कुल हल्का सा। बाकी तड़के में तो डालूंगा कचौड़ी के मसाले के। और आपको याद रखना है, इसको जो लगाना है इसका डो, तो आपको गर्म पानी के साथ लगाना है। मोमेंट के लिए डालूंगा मैं ऑयल, कुछ चीजें आपको बहुत ध्यान से सुननी है। जो आप पानी यूज करेंगे वो हल्का कुनकुना होना चाहिए। हमें कचौड़ी का आटा बहुत ज्यादा टाइट नहीं रखना है, कि बहुत ज़्यादा आप टाइट रख दें समोसे के जैसे, और ना ही बहुत ज़्यादा ढीला रखना है। तो आटा लगा लेते हैं। लीजिए, ये हमारा कचौड़ी का डो लग के तैयार है। अब हम एक गीले कपड़े से ढक के रख देंगे और जब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। लीजिए, ये आ गया हमारा ऑयल। और ये जीरा, इसमें थोड़ा सा मैंने हींग भी डाला है। और ये चॉप अदरक, जो हमने चॉप अदरक करके रखा था, ये है वो। ग्रीन चिल्ली, ये डाला मैंने धनिया पाउडर। और ये हल्का रेड चिल्ली। अब मैं इसमें डालूंगा थोड़ा सा बेसन। और ये आ गया बेसन। जब भूनना है मैं थोड़ी देर, हमारा बेसन भुन जाए फिर मैं डालूंगा इसमें दाल। ये मूंग दाल हमने क्रश करके रखी है, वो दाल डालूंगा। लीजिए, बेसन भी भुन चुका है और ये आ गया हमारा मूंग दाल। थोड़ा मिक्सी में ग्राइंड करना आपको, है ना। आप चाहें तो हल्की सी बॉईल भी कर सकते हैं। अब मैं डालूंगा थोड़ा अमचूर पाउडर, जिससे कि बढ़िया खट्टा खट्टा टेस्ट आए। मैं डालना है थोड़ा सॉल्ट। मैं अभी सौंफ और खड़ा धनिया डालना भूल गया था, तो मैं कूट लिया है। ये मैं कूट के डालता हूँ ऊपर से। तड़के में डालना भूल गया था, इसलिए आप तड़के में डालना, है ना। ये हमारा कचौड़ी का मसाला एकदम बनके तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बॉल में निकालेंगे और फिर उसके बाद हम कचौड़ी के अंदर स्टफिंग करेंगे इसकी। चलिए तो मैं एक बॉल में निकालता हूँ, टेस्ट भी अच्छा है। पेड़े तोड़ लेना है। इस साइज के मैं मीडियम कचौड़ी बना रहा हूँ। इस तरीके से कर लेना है। जो ये हमने मसाला बनाया, अभी मसाला भरेंगे इस तरीके से। इसको ऐसे पैक करेंगे, देखिए
ऐसे पैक करना है, ऐसे मोड़ देंगे। इस तरीके से हमें अच्छे से बंद करना है दोनों साइड से। ठीक इसी तरीके से हमें सारी कचौड़ी भर लेनी है। बेलन की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, बगैर बेलन की इतनी शानदार कचौड़ी बन रही। अगर आप हाथ से ना बना पाए तो फिर आप बेलन यूज करो, वरना मेरे हिसाब से बेलन की कोई जरूरत नहीं है। देखिए सारी कचौड़ी हमें इसी तरीके से कर लेनी है। ये बन गई हमारी सारी कचौड़ियाँ, अब हम इनको करेंगे फ्राई। बिल्कुल स्ले फ्लेम में हमें फ्राई करनी है, बिल्कुल स्लो। जितनी मध्य आंच में आप कचौड़ियों को सेकोगे उतना मज़ा आएगा आपको खाने में, उतनी प्यारी आपकी कचौड़ियाँ बनेंगी। तो हमें कचौड़ी बनाने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, हल्की फ्लेम पे छोड़ देना है, बिल्कुल स्लो आंच में। हमें पलट देना कचौड़ियों को भी हल्के आंच से, अभी भी गैस आपको स्लो रखनी है। अब हम थोड़ा गैस तेज करेंगे। कचौड़ी सिक चुकी है, बस इसमें कलर आना बाकी है। जब इस तरीके से ऊपर आ जाए फूल के, तब आप गैस थोड़ा तेज कर दें। सेम इसी तरीके से सारी कचौड़ियां फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से सारी कचौड़ियां हमें फ्राई कर लेनी है। लीजिए तो ये कचौड़ियां फ्राई हो चुकी हैं हमारी, आप देख सकते हैं कलर देखिए कितना प्यारा है। लीजिए आज मैंने आपको कचौड़ी बनाना भी सिखा दी। घर पे बनाए, खुद खाए, दोस्तों को खिलाए, रिश्तेदारों को खिलाए। अगर आप भी चाहते हैं मैं आपके मन पसंदीदा डिश बनाऊं तो कमेंट करिए, मैं जरूर बनाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा। और फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।